इस एपिसोड में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि आज भी इसके ग्रुप के स्टॉक को लेकर के कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन फैसला आना तो पता ही है कि कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमने आपको इस स्टॉक में कहा था कि जो आपको थोड़ा बहुत उछाल दिखा वो ट्रैप से निकलने का एक सुनहरा मौका था। हालांकि आप निकले नहीं निकले पता नहीं, अगर अभी भी आपने होल्ड कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मार्केट के अंदर बहुत ट्रैप है, जहां देख रहे हैं कि बियानी सेमलेस पर्सन है और साथ में जुडिशरी सिस्टम का देख ही रहे हैं कि तारीख पे तारीख मिलते हुए दिख रहा है और कंटिन्यूअस पिछले दो दिन से ये स्टॉक फिर से लोअर सर्किट में आते हुए दिख रहा है। कुछ भी हेयरिंग या फिर मैनेजमेंट के तरफ से कुछ ऐसा न्यूज आते हुए नहीं दिखता है जिससे कि होप लगे कि नहीं ये कंपनी बचते हुए दिख रही है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक 22 अप्रैल के आसपास का एक बड़ी खबर है, उस खबर तक आपको वेट करना ही चाहिए। इस समय एवरेज आउट या फिर फ्रेश बाइंग करने की बिल्कुल गलती नहीं करें। ओवरऑल इस स्टॉक के वॉल्यूम भी कम होते हुए दिख रहे हैं, जहां हमने देखा आज से दो दिन पहले इसका वॉल्यूम लगभग 80 लाख के ऊपर वॉल्यूम था, वहीं आज के वॉल्यूम देखेंगे तो लगभग 20-25-25-30 लाख के आसपास का वॉल्यूम था। तो पर्सनली NCLT में भी ये केस जाते हुए आपको आगे दिख सकता है क्या वैल्यूएशन होती है। बैंकों ने अपने प्लेस शेयर को बेच करके अपना रिकवरी शुरू कर दिया है, अगर उसका और उसमें भी लगभग 20% के हेयर कट भी हमने देखे मैक्सिमम। बहुत सारे न्यूज इस स्टॉक में आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी ये समझे कि इस स्टॉक को अभी फ्रेश बाइंग करने की गलती नहीं करें। अगर आप फंसे हुए हैं, आपकी बाइंग 100 के आसपास का है तो 42-52 के आसपास के प्राइस पे हमने आपको कहा था कि आप इस स्टॉक को एग्जिट करें, हेवी क्वांटिटी होल्ड करने की गलती नहीं करें। फिलहाल हमने सिंटेक्स में देखा था कि सारा जितने भी स्टॉक होल्डर थे उनको कुछ नहीं मिला, जीरो वैल्यूएशन हो गई थी। तो इसीलिए ऐसे खबर वाले न्यूज़ से आपको बचने की ही सलाह रहेगी।